नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूं आशा अहमद। आज हम आपको गोश्त को गलाने के लिए मुख्तलिफ टिप्स देंगे। गोश्त को जल्दी गलाने के लिए आपके पास मीट टेंडराइजर होना चाहिए या फिर आपके पास कचरी पाउडर होना चाहिए। कुछ लोग गोश्त को विनेगर के साथ भी गलाते हैं या टाटरी के साथ भी, लेकिन हम यहाँ पर आपको स्पेशली रिकमेंड करेंगे मीट टेंडराइजर और कचरी पाउडर के साथ। इसके अलावा जब आप गोश्त की बोटियाँ तैयार करेंगे या फिर सीख कबाब तैयार करेंगे, इसके लिए आप पपीता ले लेंगे। पपीता ऐसा होना चाहिए जो ना बहुत ज़्यादा पका हुआ हो और ना बहुत ज़्यादा कच्चा हो। दरमियानी सूरत वाले पपीते को लेकर इसको दो हिस्सों में कट कर लीजिए। एक हिस्से के छिलके उतार के ज़ाया कर दें और इसके बीज भी ज़ाया कर दें। इसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंडराइज कर लें। इसके बाद इसको एक एयर टाइट बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख दें। पपीते का पेस्ट शामिल करें और फिर अपनी मतलूबा चीज़ तैयार कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अगली टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।